हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट टेक्निक्स फॉर एक्सपेंसिव सॉइल के बारे में। अगर हम इकोनॉमिकली या फिर प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट की बात करें, हम कुछ मेथड को यूज़ करते हैं जिसके कारण से आप हीव को, पर्टिकुलर सॉइल की हीविंग को रिड्यूस कर सकते हैं। अब कौन कौन से वो ट्रीटमेंट होंगे बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक्स एंड द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट, उन ट्रीटमेंट के हम नाम लिख रहे हैं। अगर हम पहले ट्रीटमेंट की बात करें तो लाइम स्टेबलाइजेशन, हम लाइम के हेल्प से स्टेबलाइजेशन करते हैं। स्टेबलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी कैन इनहेंस द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। ठीक है, हम जब यहाँ पे लाइम को ऐड करेंगे तो लाइम को ऐड करने से हम क्या सप्लाई कर रहे हैं, मल्टीवेलेंट कैल्शियम कैटायंस को। अब उसके टेंशन से एक्सेस प्रोवाइड कराने से क्या होता है, जो मोनोवेलेंट कैटायंस होते हैं वो रिप्लेस होते हैं, जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, जो कि क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे स्वेल को, श्रिंकेज को, वर्केबिलिटी जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को। लाइम सॉइल जो होता है वो पॉजोलानिक रिएक्शन फॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ सीमेंटेटिंग एजेंट्स, जो कि आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ को भी प्रोवाइड करता है, जो कि रिटार्ड करता है स्वेल फोर्सेस को। 5 to 7% हाइड्रेटेड लाइम बाई वेट हम प्रोवाइड करते हैं सफिशियंट अल्ट्रेशन के लिए। तो ये पहला हो गया आपका क्या, लाइम स्टेबलाइजेशन। दूसरा होता है आपका प्री वेटिंग। मेन पर्पस क्या होता है प्री वेटिंग का, ताकि आप मॉइस्चर कंटेंट को रेज कर सको, टू लोअर द सक्शन, जो भी आपका जो नियर सरफेस है क्ले वगैरह का, मतलब स्ट्रक्चर के प्लेसमेंट के पहले। जो मोस्ट कॉमन मेथड होता है वेटिंग का, वो होता है पॉन्डिंग और सबमर्जिंग ऑफ एरिया इन वाटर। पॉन्डिंग जो होता है बहुत ही इफेक्टिव होता है सबग्रेड हीविंग को रिड्यूस करने में हाईवेज के लिए, बट वहीं पे सैलो फाउंडेशन की बात करें तो पॉन्डिंग उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तीसरा आपका होता है मॉइस्चर कंट्रोल। यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हो, मॉइस्चर को कंट्रोल कर रहे होते हो उसके पैरामीटर से, जो भी आपके स्ट्रक्चर्स का पैरामीटर है, ताकि क्या हो सके, एज में जो वेटिंग हो रही है उसको रिड्यूस कर सको, आप फाउंडेशन को ड्राई कर सको, ताकि आपका एक यूनिफॉर्म वाटर कंडीशन मेंटेन हो सके बिलो द स्ट्रक्चर। आप बोथ द वेरियर, मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल, बोथ द वेरियर्स आप यूज करोगे ताकि आपका एक अच्छा मॉइस्चर का कंट्रोल हो सके। अब वो कैसा भी वेरियर हो सकता है, आप ट्रेंच के फॉर्म में बनाना चाहो या फिर अलग अलग इम्परवियस मेम्ब्रेन बनाना चाहो, अलग अलग तरीके हो सकते हैं मॉइस्चर कंट्रोल करने के। उसके बाद एक आपका होता है कॉम्पैक्शन कंट्रोल। एक जगह मॉइस्चर कंट्रोल था, अब आ रहा है आपका क्या, कॉम्पैक्शन कंट्रोल। जो एक्सपेंसिव सॉइल होती है, एक्सपेंसिव क्ले होती है, वो एक्सपैंड कर जाती है बहुत ही कम कॉम्पैक्शन में। अगर लो डेंसिटी और हाई मॉइस्चर है तो बहुत ही लो कॉम्पैक्शन में वो क्या हो जाती है, एक्सपैंड कर जाती है। अगर मैं कॉम्पैक्शन की बात करूँ तो वो 2 to 5% होती है अबव ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, जो कि रिकमेंड किसने की थी, ग्रोमको ने की थी 1974 में। चेन ने भी 1975 में रिकमेंड किया था रिकॉम्पैक्शन सॉइलिंग क्ले एट मॉइस्चर कंटेंट स्लाइटली अबव देयर नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट एट अ लो डेंसिटी। ठीक है, कॉम्पैक्शन एक तरीके से कंजंक्शन की तरह भी यूज होता है विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है ना, विथ रिप्लेसमेंट एज अ कंजंक्शन की तरह भी यूज होता है। और उसके बाद सबसे इजी मेथड होता है क्या, रिप्लेसमेंट के। जहां पे आपको कुछ भी बनाना है, जहां पे आपको फाउंडेशन देना है, वहां से आप क्या कर लो, एक्सपेंसिव सॉइल को ही रिप्लेस कर दो और नॉन स्वेलिंग सॉइल को ले आओ, जो कि हालांकि आपका रहता तो बहुत ही नॉन इकोनॉमिकल है, अनइकोनॉमिकल रहता है, बट जब कुछ भी रास्ते नहीं बचते तो आप रिप्लेसमेंट कर दो, जब आपके पास समय और पैसा है तो। तो यही कुछ ट्रीटमेंट टेक्निक्स थी जो कि आप एक्सपेंसिव सॉइल के लिए यूज करते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।